ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁੱਡਾ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ जिस तो बाद सीसीटीवी तस्वीर भी सामने आईया ने जिस दे विच साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किवें लोग भजदे हुए दिखाई दे रहे ने हफड़ा दफड़ी मच गई है दस दिए कि इस दौरान घटना तो बाद पटियाला दे एमपी डॉक्टर धर्मवीर गांधी भी मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पूरी घटना की निंदा की कहा कि दोबारा इत्थे पंचायती चोणां लई वोटां पवाईआं जाण ते दूजे पासे गोली लगन नाल जख्मी नौजवान की हालत भी नाजुक बनी हुई है जिसनू निजी हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया जिथे उसका इलाज किया जा रहा है पर यह तस्वीर खुद ब खुद बयान कर रही ने कि किवें हफड़ा दफड़ी मची है तो इल्जाम ने बूथ कैप्चरिंग दे हालांकि पुलिस मामले की जाँच की गल आख रही है दस दिए कि पंजाब दे विच अज पंचायती चोणां नू लैके वोटां पईआं ने ते कई थावां तों झड़प दीआं अजिहीआं खबरां भी सामने आईआं ने अजिही ही खबर पटियाला दे पिंड खुड्डा तो भी सामने आई है जिथे पंचायती चोणां दे दौरान फायरिंग दे इल्जाम ने ते इस दौरान एक व्यक्ति गंभीर रूप दे विच जख्मी हो गया जिसनू हॉस्पिटल दे विच भर्ती करवाया गया ते बूथ कैप्चरिंग दे इल्जाम लगे कि बूथ कैप्चरिंग दे दौरान गोली चलाई गई ते फायरिंग करदे हुए मुलजम फरार हुए ने बदमाश जिहड़े ने फरार हो गए ने सीसीटीवी भी सामने आई है अज हूँ थोड़ा चिर पहला मतलब ज घंटा डेढ़ घंटा पहला कह लो तुसी एक वारदात वापरी हैगी कि चोन के अमल में भंग करने की मंशा नाल 100-150 बंद ने हथियार लैस से बंदूकों लैस से उन्होंने बूथ कैप्चर किया बक्सा चुकया बक्सा तोड़िया गया वो वोटा पाड़िया गई और इस तरह मतलब स्पीकर चोन अमल है उस विघन पाया गया और जान लगे गोली चलाते हुए गए जिसना एक बंद के ढिड च गोली लगी है उन्होंने हस्पताल दाखिल कराया गया है ये बहुत ही गंभीर एक गुंडा कार्रवाई हैगी है जिसन सरप्रस्ती सुन पता लग्या कि कुछ खास सियासी पार्टी की सियासी लीडर की हैगी है तो वह सारे बंदियां नूं फौरी तौर पर उन्होंने निशानदेही करके डीसी साहब नूं चाहिए एस एस पी नूं चाहिए कि उन्हां दी प्रतिबद्धता संविधान नाल है चोणां दे अमल नाल है निरपक्षता नाल हैगी है वह किसे सरकार दे नुमाइंदे नहीं हैगे वह जमहूरीयत दे नुमाइंदे है और सारे लोगों के नुमाइंदे हैगे उन्होंने सारे लोगों का पक्ष सुन के लोगों की कचहरी चा के सर निरपक्ष जाँच करके जिहड़े गुंडा अंसर हैगे चाहे किन्ने भी सियासी असर सूख वाले क्यों ना होण भावें हुण किन्ने भी उन्हें सरकारी दरबारे क्यों ना पुगती होवे उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने एक्शन लेना चाहिए है और जिहड़े सरप्रस्त ने वह भी और जिन्होंने कारा किया है वह भी दोहां नहीं बंद है जी ठप हो चुकी है मेरा ख्याल 2 बजे तकरीब बंदे पिंड वाले पता जी मैं तो बाहरों आया है बिल्कुल बिल्कुल हम तुम अंदर आके देखोगे तो सारा सीलां टुटिया पईआं बक्सा तोड़िया पिया है वह मैं पूछा जी कहिंदे जी हुण असीं पोलिंग किवें करावांगे हुण नहीं देखो मुलाजम दो किन्ने मुलाजम से मौके से मेरा ख्याल चार से जिन्नी बड़ी भीड़ सी उन्हां वालों कोई एडी बड़ी भीड़ से ना कार्रवाई संभव सी ना ना कर सके 100-150 बंदा नाल मैंबरी दी भी हैगी।